bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टेस्टिंग की वीडियो, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास पड़े हैं ज़मीन पे ढेर सारे क्रैकर, तो इनकी हम करने वाले हैं टेस्टिंग। तो दोस्तों बने रहें आप इस वीडियो के साथ और शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। और आपको बता दूँ कि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम किन किन पटाखों की टेस्टिंग करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, शुरू से करते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास छोटे तरह के हैं पटाखे, जो कि तकरीबन आते हैं जिगरी दोस्त की तरफ से, और यहाँ पे ये कृष्णा छाप की तरफ से ये पटाखे हमारे पास आते हैं। इसके बाद बात करेंगे गोल सूतली बम की, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इनकी शेप कुछ इस तरह से है, और ये जो सूतली बम है जो कि बोम एटम बोम की तरफ से आते हैं, बिल्कुल काफ़ी अच्छा बोम है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास रॉकेट की, वो जो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है बड़ा रॉकेट है, जो कि आता है हमारे पास यहाँ पे, इस पर लिखा हुआ है जीत, दोस्तों जीत रॉकेट की तरफ से आता है, काफ़ी अच्छा रॉकेट है। और यहाँ पे ये शिवकाशी की फैक्ट्री है, वहाँ से आता है बिल्कुल शिवकाशी की तरफ से। और उसके बाद बात करेंगे हमारे पास छोटे रॉकेट के बारे में, तो आप वो भी देख सकते हैं हमारे पास ये है छोटा रॉकेट, जो कि आता है हमारे पास यहाँ पे रॉकेट बोम, इस पर लिखा है सहारा, जो कि दोस्तों सहारा रॉकेट की तरफ से आता है, सहारा की कंपनी है, काफ़ी अच्छा रॉकेट है। इसकी भी टेस्टिंग करेंगे, ये छोटा रॉकेट और ये बड़ा, दोनों की टेस्टिंग करने वाले हैं, छोटे बड़े की कौन सा कितना जो है हाइट में जा पाता है और कितना अच्छा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे तो ये की जो दोस्तों सबसे अच्छी क्वालिटी की हमारे पास मुर्गा छाप की जो हमारे पास फायर क्रैकर हैं, चक्री चक्कर ग्राउंड, जो कि 45 सेंटीमीटर वो जो है इसकी लंबाई है इसके अंदर की। और यहाँ पे ये भी जो है दोस्तों कृष्णा मुर्गा छाप की तरफ से आती है, और शिवकाशी की तरफ से हमारे पास काफ़ी अच्छी ब्रांड की चक्री है, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे कितनी देर तक चल पाती है। उसके बाद ये छोटी चक्कर है हमारे पास, ये दोस्तों आती है हमारे पास कृष्णा छाप की तरफ से, ये भी काफ़ी अच्छी चक्री है, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे कितनी देर तक हमारे पास चल पाती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो आती है हमारे पास नागिन, जो कि यहाँ पे आती है हमारे पास शिवकाशी की तरफ से, ये बिजली क्रैकर है रेड बॉम, इसको पूरी की लड़ी को आग लगाएंगे, देखेंगे किस तरह से वीडियो देखने को मिलती है और कितने अच्छे से हमारे पास ये पटाखे फटते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सूतली बम की, जो कि आप देख सकते हैं एक बॉक्स के अंदर आते हैं हमारे पास, काफ़ी बड़े सूतली बम है, जो कि एक बॉक्स है, तकरीबन ये 150 रुपये का बॉक्स है, इसके अंदर हमें 10 पीस जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बुलेट बॉम के बॉक्स के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं बुलेट बॉम का एक बॉक्स है, जिसके अंदर भी 10 बुलेट बॉम देखने को मिलते हैं अलग अलग कलर के, और अगर इनका साइज़ दिखा दूँ तो वो जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और इसकी टेस्टिंग करेंगे, देखते हैं कितनी जो है साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी, कितना अच्छा से फट पाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे तो चिटपुट, वो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आती है हमारे पास श्री अरुण गेम्स की तरफ से आती है, ये हमारे पास क्रेजी किट्स, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी फेमस है, चिटपुट है जिसके अंदर से काफ़ी अच्छी रोशनी निकलती है, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आलू बम के बारे में, तो वो क्या जो आप देख सकते हैं हमारे पास आलू बम जो है किस तरह से बिल्कुल गोल शेप में दिया गया है, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। ये और ये दोस्तों हमारे पास कुछ एक ही रैपर इनके ऊपर किया गया है, इनकी टेस्टिंग करेंगे दोनों की अलग अलग, किस तरह से किस में ज़्यादा जम हमें दम देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे छोटे बुलेट बॉम, उसके बाद ये बुलेट बॉम हो गया, ये इसके साथ ही वाला ही है। उसके बाद ये छोटा सा एक लक्ष्मी बॉम भी है, जिसकी भी टेस्टिंग करेंगे किस तरह से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये छोटे पटाखों की लड़, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करते हैं हम स्टार्ट करते हैं सभी की टेस्टिंग। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास ये रही एक चक्री, तो अभी लगाते हैं इसको आग और देखते हैं कितनी देर तक ये हमारे पास घूम पाती है। तो चलिए लगाएं इसको आग। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास ये रही छोटी चक्री, अभी इसकी करते हैं टेस्टिंग, देखते हैं कितनी अच्छी ये हमारे पास चल पाती है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चली हमारे पास, छोटी चक्कर थी लेकिन थोड़ी सी गर्म हो चुकी है हमारे पास, काफ़ी अच्छी चल गई हमारे पास, छोटी चक्कर ही थी। चलिए करते हैं अभी नेक्स्ट क्रैकर की टेस्टिंग। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास छोटे रॉकेट, तो इनकी करते हैं टेस्टिंग, कितनी अच्छी है हमारे पास दम दिखा पाता है ये छोटे रॉकेट। चलिए इनको लगाते हैं आग। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है छोटा रॉकेट है, थोड़ा सा मीडियम साइज जो है दोस्तों ये रॉकेट है, थोड़ा छोटा रॉकेट, तो ये जो बोतल में फिट नहीं हो रहा है इसके लिए ऊपर हमने कुछ जुगाड़ लगाया इस तरह से, और अभी लगाते हैं इसको आग, देखते हैं छोटा रॉकेट कितनी हवा में जा पाता है। दोस्तों एकदम से चला गया हमारे पास ये रॉकेट, ठीक ठाक था छोटा रॉकेट, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास ये बड़ा रॉक्स, बड़ा जो रॉकेट का एक बॉक्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास बड़े रॉकेट हैं, काफ़ी बड़े रॉकेट हैं दोस्तों, लार्ज रॉकेट, तो इनकी करते हैं टेस्टिंग बड़े रॉकेटों की, देखते हैं कितनी हाइट तक ये जा पाते हैं और साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है इनकी, देखते हैं। चलिए लगाते हैं इनको आग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई तक गया हमारे पास ये रॉकेट, और ऊपर जाके इसका एक बम भी फूटा है, इसके अंदर धुआं देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास है सूतली बम, तो इसकी करते हैं अभी टेस्टिंग, देखते हैं कितना जो है हमारे पास दम दिखा पाता है ये, बिल्कुल साउंड क्वालिटी इसकी कैसी है। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पास सूतली बम का नज़ारा, यहाँ पे ज़मीन तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसने हिला के रख दी, बिल्कुल काफ़ी जो है साउंड था दोस्तों, आपको वीडियो में ऐसा नहीं लगता लेकिन अगर रियल में होते तो आप शायद देख पाते, काफ़ी जो है साउंड था इसका बहुत अच्छा हमारे पास, बड़े बड़े दूर दूर तक यहाँ पर पता लग ही जाता है कि इन्होंने सूतली बम चलाए यहाँ पर, काफ़ी अच्छा साउंड था दोस्तों। दिवाली पर इसके आप जो है ज़रूर इस पटाखे को ख़रीद सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास बिजली क्रैकर, जो कि तकरीबन 15 से 20 रुपए की एक आती है लड़ी, इसको करने वाले हैं टेस्टिंग, जो कि आती है हमारे पास मुर्गा छाप की तरफ से, काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी जो है बड़े बड़े पटाखे हैं इसके अंदर, बिजली बॉम, रेड बिजली बॉम, इसको लगाते हैं आग। तो मैं इसके ऊपर वाला जो है रैपर वो उतार देता हूँ, फिर लगाते हैं इसको आग, देखते हैं कितनी जो हमारे पास अच्छे से ये चल पाती है। और अभी दोस्तों ये देख सकते हैं इसके अंदर से ये हमारे पास रैपर, इसको डाल देते हैं, अभी देख सकते हैं काफ़ी जो इसके अंदर 20 पटाखे मुझे लगता है, 2-4 बिल्कुल आप देख सकते हैं, 10-12 एक साइड हैं, 10-12 एक साइड हैं, अभी लगाते हैं इसको आग, देखते हैं कितनी अच्छी चल पाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी अच्छे जो है पटाखों की लड़ी फटी, बिल्कुल धुआं ही धुआं हो चुका, और यहाँ पे बिजली क्रैकर देख सकते हैं रेड कलर के ज़मीन पे बिखर चुके हैं, और ये धुआं देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से फटे एकदम से, बिल्कुल मज़ा आ गया इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों करते हैं अभी नेक्स्ट पटाखे की टेस्टिंग, देखते हैं कितना जो है हमारे पास धमाका कर पाता है इसी प्रकार। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास एक जो है बिल्कुल नए प्रकार का बुलेट बॉम्ब, इसको आग लगा के देखते हैं कितनी जो है साउंड क्वालिटी ये कर पाता है, इसकी करते हैं अभी टेस्टिंग, चलिए लगाएं इसको आग। तो भाई साहब आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा धमाका था, बिल्कुल काफ़ी जो है सूतली बम को टक्कर देने वाला थोड़ा सा। हाँ तो दोस्तों ये हमारे पास चिटपुट है कुछ अलग तरह की, तो इसको लगाते हैं आग, देखते हैं कितनी अच्छी जल पाती है। देख सकते हैं धुआं
इसके अंदर से काफ़ी निकला हमारे पास। जो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, नीचे गिर गई, नहीं तो ऊपर चलती तो शायद काफ़ी अच्छी चलती। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जेड बिग की एक चिटपुट थी, काफ़ी अच्छी चली, अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी है।